बिहार में जो फेज सेकेंड वाली शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में 7 से 10 दिसंबर के बीच प्रस्तावित थी, अब इसमें बदलाव हो चुका और ये परीक्षा अब जो है आपकी 17 और 16 दिसंबर की डेट में यहाँ पर आयोजित कराई जाएगी। उसके सामने जो ऑफिशियल लेटर है वो हमारे पास आ चुका है। जो लेटर हमें मिला हुआ है इसमें डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर एग्जैक्ट बता दी गई है। तो कुल मिलाकर के 10 दिन आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। पूरी जानकारी को यहाँ पर हम विस्तार से समझेंगे, कब किसकी परीक्षा होगी, मतलब 6th to 8th वाली किस दिन होगी, TGT वाली किस दिन होगी, PGT वाली किस दिन होगी और PRT वाली परीक्षा किस दिन होगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 21 नवंबर 2023 और यहाँ पर लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा गया विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वितीय चरण के आयोजन के संबंध में। ये नोटिस जो है यहाँ पर सेंटर अलॉट करने को लेकर के यहाँ पर जारी की गई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, समय बहुत कम बचा हुआ, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिएगा। और गुड न्यूज ये है कि 10 दिन आपकी परीक्षा यहाँ पर एक्सटेंड हो गई है, ज़्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको नोट्स बाई कर लेना है, पहले आप नोट्स कर समझ लीजिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रियल अथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। पहले आप वीडियो में नोट्स कर समझिए, फिर आते हैं इस वीडियो। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेस टू की तैयारी कर रहे हैं जिसमें PRT जूनियर टीचर साथ ही साथ TGT और PGT की वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए MBA टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। PRT टीचर की अगर हम बात करते हैं 280 पेज के नोट्स हैं, NCERT प्लस SCERT बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है। PRT टीचर के लिए आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी करें तो उसके भी कंप्लीट NCERT प्लस SCERT जो किताबों का निचोड़ PDF है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक के सभी किताबों का निचोड़ PDF यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप PRT की तैयारी करना चाहते हैं तो PRT नोट्स परचेज करिएगा। अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर की नोट्स यहाँ पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर SST टीचर की नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर की नोट्स यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगी। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिया गया है 94-55-28-27-93 इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज। उम्मीद है कि आपने नोट्स के बारे में समझ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो नोटिस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ समस्तीपुर जिले से, जो हमारे पास एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, प्रेषक हैं मदन राय, जो जिला पदाधिकारी हैं जो BSc हैं समस्तीपुर के, इन्होंने सभी जो है प्राचार्य प्रधानाध्यापक और जो प्रभारी प्रधानाध्यापक उनको यहाँ पर नोटिस भेजा हुआ है सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को। इसमें देखिए जो कॉलेज के नाम है वो इसमें लिखे गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है विज्ञापन संख्या, विषय में देखिए विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वितीय चरण के आयोजन के हेतु दिनांक 16 दिसंबर 17 दिसंबर, यहाँ देखिए 16 दिसंबर फिर 17 दिसंबर हेतु आवासन की व्यवस्था कराने के संबंध में। यहाँ पर प्रसंग में सचिव बिहार लोक सेवा आयोजन पटना का पत्रांक संख्या है पर 17 नवंबर वाला दे रखा। देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है महाशय उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन है योम के आलोक में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय चरण के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 16 दिसंबर योम 17 दिसंबर तक संभावित है। इसके अलावा अतः अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के संचालन के संलग्न के चेकलिस्ट के अनुसार विहित प्रपत्र में सहमति एवं अन्य वांछित सूचनाएं निम्नांकित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, कृपया इसे अति आवश्यक समझें। यहाँ पर मोहर साइन देख सकते हैं जो मदन राय हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनके यहाँ पर 21 नवंबर के डेट और साइन है। तो कुल मिलाकर के नोटिस पूरी तरीके से प्रथम दृष्टया मुझे 100% सही लग रही है। फिलहाल अभी ऐसे कोई न्यूज़पेपर में या जो मीडिया है उसकी तरफ से कोई ऐसी खबरें नहीं आई। फिलहाल जो नोटिस आई हुई उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो 7 से 10 दिसंबर के बीच होनी थी अब ये जो है 16 और 17 दिसंबर के बीच होगी। अब ये जो परीक्षा आपकी होगी, अभी PRT वाली परीक्षा किस दिन होगी ये इसी के साथ होगी 16-17 में, अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा
कि आपकी 6th to 8th वाली परीक्षा TGT और PGT वाली परीक्षा उसे जो है 17 और 18 दिसंबर की डेट में यहाँ पर आयोजित कर लिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है, कोई भी चेंजिंग होती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। आप नोट्स को परचेज करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।